नमस्कार दोस्तों, क्या उत्तराखंड के रास्ते समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू हो सकता है और क्या उत्तराखंड के बाद भाजपा शासित राज्यों में यह कानून एक एक करके लागू होगा। इसकी संभावना इसलिए बनती है कि समान नागरिक संहिता शुरू से ही भाजपा के एजेंडे में रही है। देखा जाए तो भाजपा इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी में भी है। इसमें अचरज नहीं होना चाहिए अगर आने वाले समय में या 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा शासित राज्यों की सरकारें इसे लागू कर दें और इसकी पृष्ठभूमि उत्तराखंड ने तैयार भी कर दी है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद विधि आयोग का गठन हुआ था। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा भी था कि सरकार के पास काफी सुझाव आ चुके हैं, तो ये तो सोचना ही गलत है कि सरकार इस कानून को लेकर किसी पशुपेश में है। और यह तय मानिए कि मोदी सरकार इस कानून को लेकर काफी गंभीर है और जल्द ही केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता को भाजपा शासित सरकारें लागू कर सकती हैं। देखा जाए तो उत्तराखंड में विधेयक आने के बाद वहां की सरकार ने इसकी मजबूत जमीन भी तैयार कर दी है। इस कानून को लेकर विपक्ष चाहे जो हवा खड़ा करे, लेकिन सत्य यही है कि नागरिक कानून की दृष्टि से यह एक बड़ा सुधार है। किसी को गोद लेने का मामला हो या उसकी शादी का या फिर तलाक लेने का मामला हो, सभी मामलों में कानून एक समान हो गया है। देखा जाए तो जनसंघ के जमाने से समान नागरिक संहिता भाजपा के एजेंडे में शामिल है। हालांकि विपक्षी खेमा हमेशा इसे मुस्लिम विरोध से लेकर प्रचारित करता रहा और यही कारण था कि इस धर्म के लोगों को चाह कर भी भाजपा तब तक विश्वास में नहीं ले पाई जब तक उसके राज्यों में अपने दम पर सरकार नहीं आई। हालांकि उत्तराखंड से लेकर कई राज्यों में आज भाजपा बहुमत में है, तो वो इस कानून को लागू करने की कोशिश कर रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर समान नागरिक संहिता है क्या जिसे लेकर इतनी चर्चा हो रही है। आसान भाषा में समझे तो समान नागरिक संहिता का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून हो, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्मों का एक कानून होगा। शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। अब एक नज़र उत्तराखंड विधानसभा में पेश विधेयक के बारे में भी जान लेते हैं, जिसका नाम है समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024। पहले शादी तलाक जैसे कई मामलों में अलग अलग पर्सनल लॉ चलती थी, लेकिन अब उत्तराखंड में ऐसा नहीं होगा। एक कानून बनेगा जो हर धर्म को मानने वालों पर लागू होगा। अब असहमति से धर्म परिवर्तन करवाने पर पीड़ित पक्ष को तलाक लेने और गुजारा भत्ता लेने का अधिकार होगा। दंपत्ति के घरेलू झगड़े में 5 साल तक के बच्चे की कस्टडी माँ के पास होगी। पति या पत्नी में से अगर कोई जीवित है तो किसी के लिए भी दूसरा विवाह पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। विवाह की न्यूनतम आयु युवती के लिए 18 साल और युवक के लिए 21 साल होगी। इस कानून की एक खास बात यह है कि अब मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। लिव इन में रहने के लिए लड़की की आयु को भी 18 साल फिक्स की कर दी गई है और अगर 21 साल से कम उम्र के लड़का और लड़की लिव इन में रहना चाहें तो पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और माता पिता को इसकी जानकारी भी देनी होगी। तो ये थे समान नागरिक संहिता के खास प्रावधान। देखा जाए तो इस कानून के प्रावधान कहीं से भी गलत नहीं दिखते। हाँ, इतना जरूर है कि गलत करने वालों की मंशा पर यह कानून लगाम जरूर लगाता है, जो किसी भी इंसान के लिए एक खुशखबरी की तरह है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।